नमस्कार, कोविड-19 से जुड़ी हुई बड़ी खबर आपको बताने जा रहे हैं। कोविड संक्रमित बेटे के बाद अब कोविड संक्रमित पिता की भी मौत हो चुकी है। जी हां, वारासुनी सिकंदरा की यह घटना बताई जा रही है। 3 दिन पहले ही बेटे की कोविड संक्रमण से मौत हुई थी। उसके बाद उनके पिता को आइसोलेशन में रखा गया था, जहां रात में अचानक उनकी तबीयत बिगड़ गई और आज तड़के उनकी मौत हो गई। इसी तरह बेटे के बाद भी पिता की भी कोविड संक्रमण से मौत हो चुकी है। जिले में लगातार कोविड संक्रमितों की मौत का आंकड़ा बढ़ते जा रहा है। इसी के तहत वारासुनी सिकंदरा में आज ये घटना घटित हुई। बेटे की मौत के 3 दिन बाद पिता की भी मौत हो चुकी है। आपको बता दें कि संजू दा ने सिकंदरा निवासी 3 दिन पहले उनकी मौत कोविड संक्रमण की वजह से हुई थी। उनके बाद उनके पिता को होम आइसोलेशन में रखा गया था, जहां उनके पिता बेनी रामदाने की कोविड संक्रमण से मौत हो चुकी है। नगर पालिका के अमले के द्वारा कोविड नियम के तहत उनका अंतिम संस्कार किया गया है। तो यह बड़ी खबर आपको बता दें कि बेटे के बाद पिता की भी कोविड से मौत हो चुकी है। जी हाँ, यह घटना वारासुनी सिकंदरा की बताई जा रही है। 3 दिन पहले संजू दा ने जो कोविड संक्रमण से उनकी मौत हो गई थी, उनके बाद उनके पिता को होम आइसोलेशन में रखा गया था। आज उनकी भी मौत की खबरें सामने आ रही है। नगर पालिका के द्वारा उनका अंतिम संस्कार कोविड गाइडलाइन के तहत किया गया है। तो देखा जा रहा है कि जिले में कोविड संक्रमण से मौतों का आंकड़ा भी, जैसे जैसे संक्रमण बढ़ते जा रहा है वैसे ही मौतों का आंकड़ा भी बढ़ते जा रहा है।